इसमें अशफाकुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई जैसे क्रांतिकारियों की पावन परंपरा का हिस्सा छत्तीसगढ़ भी बना था। हमारा छत्तीसगढ़ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे विभूतियों के पद चिन्हों पर चला। पंडित रविशंकर शुक्ल ठाकुर, प्यारेलाल सिंह, डॉक्टर भूपचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बैरिस्टर छेदीलाल, यति यतनलाल, डॉक्टर राधाबाई, पंडित मामा राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंत राम बच्चिया, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणीबाई परगनिया, कीर्तिबाई बघेल, बेलाबाई के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा। सभी को नमन करता हूं। आज का दिन भारतीय संविधान निर्माण की गौरव गाथा को याद करने का है और यह संकल्प लेने का भी कि हम सब भारतवासी अपने संविधान की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यह तथ्य मुझे व्यथित करता है कि भारत ने पहले भी एक बार स्वतंत्रता खोई है। यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश के ऊपर रखेंगे, हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और संभवतः हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। हमें खून के आखिरी कतरे तक अपनी आजादी की रक्षा करने का संकल्प करना चाहिए। हमें अपनी सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक संवैधानिक उपायों का ही सहारा लेना चाहिए। आज के दिन हमें याद करना चाहिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग के उद्घोष के साथ शुरू होती है, जिसमें न्याय, समता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जैसे सब मील के पत्थर की तरह हमें रास्ता दिखाते हैं। आज का दिन यह रेखांकित करने का भी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सांप्रदायिकता को अपने समय के सबसे खतरनाक प्रवृत्ति के रूप में चिन्हित किया था। इसलिए उन्होंने धर्म निरपेक्ष समाज और धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के मजबूत नींव डालने के लिए धर्म निरपेक्ष संविधान पर जोर दिया था। वही देश के नियोजित विकास का आधारभूत ढांचा खड़ा किया था, जो भारत की योजनाबद्ध तरक्की का आधार बना। सात दशकों में भारत ने विकास की जो ऊंचाइयां हासिल की है, उसका सबसे बड़ा कारण हमारे संविधान की वह शक्ति है जो तमाम विविधताओं के बीच भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाती है। देश के ताजा हालात किसी से छिपे नहीं है। तमाम प्रतिगामी ताकतों और हरकतों के बीच छत्तीसगढ़ एक बार फिर यह साबित करने में सफल हुआ है, हमें जोड़ना आता है, हमें रचना आता है, हमें बनाना आता है। तोड़ने, फोड़ने, बिगाड़ने में प्रदेश की जनता का कभी कोई विश्वास नहीं रहा। रचनात्मक सोच और कार्य ही हमारा रास्ता बनाते रहे हैं, जिसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता का, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों की इसी विशेषता की वजह से छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में खास पहचान मिली है। राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत 5 पुरस्कार, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 9 पुरस्कार, महात्मा गांधी
नरेगा योजना के अंतर्गत 7 पुरस्कार राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड के तहत 11 जिलों तथा एक एक जनपद और ग्राम पंचायतों को मिले पुरस्कार यह साबित करते हैं कि हमारे किसानों और ग्रामीण भाई बहनों की प्रतिभा राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवाने की काबिलियत रखती है। नीति आयोग द्वारा देश के 115 आकांक्षी जिलों की जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें सुकमा जिला पहले स्थान पर है। इसी प्रकार स्वच्छता सर्वेक्षण में भी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। ये सारे पुरस्कार और सम्मान आप लोगों को समर्पित। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि छत्तीसगढ़ की माटी और छत्तीसगढ़ की जनता से बड़ी कोई पाठशाला नहीं है। मैं जितनी बार बस्तर आता हूँ, सरगुजा जाता हूँ या गांव गांव का दौरा करता हूँ, हर बार मुझे कोई नई सीख मिलती है। मेरा विश्वास है गणतंत्र की सफलता की कसौटी जनता से सीखकर उनकी भागीदारी से उनके सपनों को पूरा करना है। लोहांडी गुड़ा ने हमें आदर्श पुनर्वास कानून के पालन की सीख दी तो आदिवासियों की जमीन वापसी से छत्तीसगढ़ सरकार को अपार यश मिला है। कुपोषण मुक्ति के लिए नवाचार और दृढ़ संकल्प की शुरुआत दंतेवाड़ा से हुई। बीजापुर ने दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का प्रण किया है। सुकमा तथा बस्तर जिले में फूड पार्क कोंडा गांव में मक्का प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने का जज्बा दिया। बड़ी पंचायतों के परिसीमन से 704 नई पंचायतें गठित हुई जिसमें से 496 अनुसूचित क्षेत्रों में हैं। हमने ऐसा क्षेत्र को अधिकार और विकास की नई रोशनी देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ग्राम पंचायतों से विकेंद्रीकरण की शुरुआत की है। नए जिले बरेला पेंडा मरवाही के गठन का निर्णय भी लिया गया। इस तरह हमने जनता से मिले अधिकार जनता को ही सौंपने की दिशा में अनेक निर्णय लिए। हम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने और संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम तेजी से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 में संशोधन करके उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता में कक्षा का मापदंड हटाकर साक्षर कर दिया है। इसी प्रकार चुनकर आने की स्थिति में निःशक्त जनों को नामांकित करने का प्रावधान किया गया है। हमने राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल राज्य की जनता की बेहतरी के लिए करने का जो संकल्प लिया है उससे हमारी प्राथमिकताएं तय हो गई है। एक उदाहरण देता हूं, हमने नियमों के सदुपयोग के लिए नियमों में जो संशोधन किए उसके परिणाम मिलने लगे हैं। स्कूल कॉलेजों में शिक्षक, अस्पतालों में डॉक्टर, बच्चों के फीस की छूट, कोचिंग और आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा, स्वास्थ्य पेयजल जैसे अनेक सुविधाओं से खनन प्रभावित अंचलों में नवजीवन का संचार हो रहा है। आदिवासी अंचलों में युवकों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी तथा अन्य रोजगार के अवसर मिले। दंतेवाड़ा जिले में हाट बाजार क्लिनिक, महराज जुमान, कबीरधाम जिले में साला संगवारी, दुर्ग जिले में हेल्थ कुरियर वॉलेंटियर, बस्तर में कुपोषण के नए आयामों से जनहित के जमीनी कार्यों को नई सोच, नई दिशा, नई गति मिली है। किसानों, ग्रामीणों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, युवाओं सहित हर तबके को बेहतर अवसर और भागीदारी देने के लिए हमने विशिष्ट योजनाएं बनाई हैं, जिसके कारण प्रदेश में नए उत्साह का संचार हुआ है। मेरा मानना है समयबद्ध परिणाम मूलक योजनाएं और कार्यक्रम बनाए बिना
हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक व्यापक कार्य योजना के साथ प्रदेश के सबसे पिछड़े अंचल को सबसे पहले गरीबी और उनके प्रभावों से उबारने का संकल्प लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक एवं वर्ल्ड बैंक के अनुमानों के अनुसार बस्तर जिले में बीपीएल परिवारों का प्रतिशत 50 से 60 के बीच है, जबकि देश में बीपीएल परिवारों का औसत लगभग 22% है। विगत दशकों में देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या में कमी हुई है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों की मूलभूत समस्याओं का निदान नहीं हुआ है। दंतेवाड़ा जिले में लगभग 57% परिवार गरीबी रेखा के नीचे है, जो आर्थिक सामाजिक सूचकांक में से भी सबसे नीचे है। हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि आगामी 4 वर्षों में दंतेवाड़ा जिले में गरीबी उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाकर वहां रहने वाले बीपीएल परिवारों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम अर्थात 22% से कम किया जाए। आगामी वर्ष इस कार्य योजना का विस्तार 2 अन्य जिलों में किया जाएगा जहां बीपीएल परिवारों का प्रतिशत सर्वाधिक है। इसके साथ ही हमने युद्ध स्तर पर अनेक राज्य स्तरीय योजनाएं कार्यक्रम और अभियान शुरू किए हैं, जिसकी प्रगति उत्साहजनक है। बस्तर के निर्दोष आदिवासी परिवारों को आपराधिक प्रकरणों की त्रासदी से मुक्त कराने के लिए गठित जस्टिस एके पटनायक समिति की सिफारिश के आधार पर पहले चरण में 313 लोगों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जो उनके लिए बहुत बड़ी आर्थिक और सामाजिक राहत भी है। आगे भी यह समिति सैकड़ों लोगों को न्याय दिलाएगी। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत निरस्त गांवों की समीक्षा से हजारों परिवारों को नई उम्मीद जागी है। वहीं सामुदायिक वन अधिकारों के तहत स्थानीय लोगों को न्याय दिलाने की शुरुआत भी हमने की है। कोंडागांव धमतरी जिले के जबर्रा में हजारों एकड़ जमीन के सामुदायिक अधिकार पत्र देने से संबंधित गांव में विकास की नई क्रांति हो रही है। इतना ही नहीं, सर्वे तक को मोहताज रखे गए हबूरमार क्षेत्र के निवासियों को वन अधिकार पत्र देने की विशेष पहल की जा रही है। हमने तेंदुपत्ता संग्रहण पर पारिश्रमिक दर 2500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपया प्रति मानक बोरा की है, जिसके कारण विगत वर्ष 15 लाख से अधिक परिवारों को 602 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली लघु वनोपज की संख्या 8 से बढ़ाकर 22 कर दी है। 1000 से अधिक हाट बाजारों पर संग्रहण केंद्र तथा वन धन विकास केंद्र की स्थापना की गई है। 50,000 आदिवासी महिलाओं को इन केंद्रों से जोड़ा गया है। नई औद्योगिक नीति में कृषि व उद्यानिकी को भी स्थान दिया गया है। इसके अलावा स्थानीय संसाधनों से स्थानीय विकास और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा से लेकर रोजगार दिलाने तक का काम सामूहिक जिम्मेदारी का है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्री मैट्रिक छात्रावास आवासीय विद्यालयों आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह करना, मैट्रिकोत्तर छात्रावासों के विद्यार्थियों की भोजन सहायता की राशि बढ़ाकर 700 रुपये प्रति माह करना, जाति प्रमाण पत्र जारी करने की सरल व्यवस्था, 17 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शुरू करना इसके कुछ उदाहरण हैं। हम 2 दशकों के इतिहास में पहली बार लगभग 15,000 स्थायी शिक्षकों को भर्ती करने जा रहे हैं, जिसमें से 7,000 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं आदिवासी अंचल की शालाओं को मिलेंगे। उस शिक्षा को सुविधाजनक और गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए
प्रदेश में 10 आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना, 54 महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकास हेतु आर्थिक सहायता दी गई है। वह दूसरी ओर सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के लगभग 1500 पदों पर भर्ती की जा रही है। 34 सरकारी कॉलेजों में लगभग 4000 तथा 56 अशासकीय कॉलेजों में 6000 सीटें बढ़ाई गई है। हर जिले में कन्या छात्रावास की उपलब्धता को अनिवार्य बनाया गया है। बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में स्थानीय लोगों की भर्ती में तेजी लाने के लिए कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड का गठन, जिला संवर्ग में भर्ती की समस्या समय सीमा 2 वर्ष बढ़ाना, सभी वर्ग के युवाओं को विभिन्न विभागों में हजारों पद पर भर्ती, कौशल उन्नयन और रोजगार पर प्रशिक्षण जैसे अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए खेल प्राधिकरण का गठन, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया है, जिससे युवाओं को चौतरफा संभावनाएं दिखाई पड़ने लगी है। हम युवाओं को यह संदेश देने में सफल हुए हैं कि पढ़ाई के अलावा उनके कैरियर निर्माण के कई अन्य रास्ते तलाशे जा रहे हैं। गांव-गांव में युवा शक्ति को रचनात्मक दिशा देने के लिए राजीव मितान क्लब गठित किया गया है। गांव-गांव में युवा शक्ति को रचनात्मक दिशा देने के लिए राजीव मितान क्लब गठन किए जाएंगे। इन क्लबों को अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए प्रति माह 10,000 रुपये दिए जाएंगे। मातृशक्ति को समुचित अधिकार व आदर देने के साथ माताओं तथा शिशुओं के देखरेख में सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं पर मानदेय 700 रुपये से 1500 रुपये तक बढ़ाया गया है। 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नर्सरी स्कूल के रूप में विकसित करने, 2,000 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई है। हमने किसानों को प्रति क्विंटल धान के लिए 25 रुपये देने, अल्पकालीन ऋण माफी करने का वादा निभाया है। इसके साथ ही मक्के की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने, उद्यान की फसलों का विस्तार करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। राज्य के इतिहास में पहली बार एक साल में ब्याज मुक्त कृषि ऋण प्रदाय ने 4,000 करोड़ रुपया का आंकड़ा पार किया है, जो हमारी सरकार के प्रति किसानों के लगातार बढ़ते विश्वास के साथ ही हमारी नीतियों को मिल रही सहयोग और समर्थन का प्रतीक है। हमारे प्रदेश के हर परिवार को खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा देने के लिए सार्वभौम पीडीएस का वादा निभाया है। अत्यंत जरूरतमंद परिवारों को 1 रुपया किलो की दर से 35 किलो चावल देने के अलावा एपीएल तथा अन्य वर्गों की जरूरतों का भी ख्याल रखा गया है। आदिवासी अंचलों में निःशुल्क रिफाइंड आयोडाइड नमक चना गुड़ देने की व्यवस्था कर दी गई है। ग्रामीण संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समृद्ध करते हुए हमने नरवा गरवा घुरवा बारी के जरिए अपनी चिन्हारी को बचाने का बीड़ा उठाया, जिसके अंतर्गत 2,000 से अधिक जलाशयों के वैज्ञानिक ढंग से विकास के कदम उठाए जा रहे हैं। 5,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में गौठान का विकास किया जा रहा है, जिसमें से प्रत्येक विकास खंड में एक मॉडल गौठान बनाया जा रहा है। लगभग 3,14,000 मीट्रिक टन जैविक खाद का निर्माण और उपयोग किया गया है। अब यह कार्यक्रम आंदोलन का रूप ले रहा है। हमारी सरकार ने पीने के पानी से लेकर सिंचाई और उद्योग तक के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था तेजी से करने की जरूरत समझी है। इसके लिए जल संसाधन नीति तैयार की जा रही है। सिंचाई विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। हमारा लक्ष्य है 5 साल में वास्तविक सिंचाई का रकबा दोगुना हो जाए।
गांव से लेकर शहरों तक अच्छी सड़कों का जाल बिछाने के लिए एक ओर जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्य ग्राम गौरव पथ योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत 10000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाने की कार्य योजना पर अमल किया जा रहा है। हमने प्रतिमाह 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर बिजली बिल आधा करने का वादा भी पूरा किया है। इसके अलावा प्रदेश को अधिक बिजली खपत वाले राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। विद्युत अधोसंरचना के विस्तार तथा उपभोक्ता सेवा में सुधार का कार्य द्रुत गति से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने 2 सालों की शुरुआत सभी भाई बहनों के बीच जाकर की है। यह हमारा स्पष्ट संदेश है, मेहनत करने वालों को सम्मान और अधिकार मिलना ही चाहिए। इसलिए हमने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई नई योजना शुरू की है। औद्योगिक स्थापनाओं में सेवारत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। मासिक पेंशन योजना के तहत 3000 रुपये दिए जाएंगे। असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु, समग्र नीति के कल्याण हेतु नए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थानों को वार्षिक नवीनीकरण तथा अन्य कई प्रावधान में छूट दी गई है। श्रमजीवी पत्रकार साथियों की सेवानिवृत्ति की आयु भी बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। हमने मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसे छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री पर रोक हटाई गई, गाइडलाइन दरों में 30% तथा पंजीयन शुल्क में 2% की कमी की, नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्ग फीट तक की सरकारी जमीन के 30 वर्षीय पट्टे फ्री होल्ड अधिकार, भूभाटक में से छूट, नामांतरण डायवर्सन में सरलता, भूइयां सॉफ्टवेयर से जन सुविधा आदि। मेरा मानना है इन फैसलों से जनता को संवेदनशील सरकार की उपस्थिति का एहसास हुआ है। सबको निःशुल्क उपचार की सुविधा देने के लिए हमने प्रदेश में 2 योजनाएं लागू की है, डॉक्टर भूपेश बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। इन योजनाओं से 50,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार की सुविधा राशन कार्ड के जरिए मिलेगी। जांच और राज्य के बाहर उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस तरह हमने देश में सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना लागू कर दी है। हमने शहरों और गांवों में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों तथा ऐसे तबकों की सेहत संबंधी जरूरतों को काफी बारीकी से समझा है जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। इस तरह मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना आदिवासी अंचल में ऐसे परिवारों के लिए जीवनदायिनी बन गई है। इस योजना में अब तक 2309 हाट बाजारों में 13214 शिविर आयोजित किए गए, जिसका लाभ 7,81,000 परिवारों को मिला। मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 1403 शिविर आयोजित किए गए, जिसका लाभ लगभग 1 लाख से अधिक मरीजों को मिल चुका है। हमने नई पीढ़ी को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने हेतु प्रदेश स्तरीय सुपोषण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रोटीन पोषण के लिए चना, फल, अंडा व स्थानीय स्तर पर उपलब्ध उत्तम सामग्री वैकल्पिक रूप से देने की शुरुआत की गई है। इस अभियान में डीएमएस, सीएसआर से लेकर जन भागीदारी तक सबका सहयोग लिया जा रहा है। मेरा मानना है कुपोषण के खिलाफ निर्णायक जंग में अब पूरा प्रदेश एकजुट है। हम अपनी संस्कृति को मां के समान सम्मान दिया है,
क्योंकि संस्कृति की गोद में ही संस्कार पनपते हैं। राज्य के प्रमुख त्योहारों पर सार्वजनिक अवकाश देने के साथ इन्हें लोकप्रिय बनाने के कदम भी उठाए गए हैं। इसी प्रकार अपनी विरासत को सहेजने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। भगवान राम के वनवास काल से जुड़ी आस्थाओं का सम्मान करते हुए राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास का निर्णय लिया गया है। बौद्धकालीन विरासतों के सम्मान में सिरपुर एकीकृत विकास कार्य योजना बनाई गई है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के प्रथम आयोजन में भारत सहित 7 देशों 24 राज्यों की भागीदारी से हम यह संदेश देने में सफल हुए हैं, छत्तीसगढ़ सर्वधर्म संभाव समरसता सद्भाव और संस्कृतियों को बचाने वाला राज्य है। जनता की मांग पर अब यह आयोजन प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया गया है, ताकि हमारे प्रदेश की आदिवासी संस्कृति को दुनिया में सम्मान मिले और विश्व बंधुत्व के विस्तार में योगदान दे सके। स्वामी विवेकानंद के प्रवास की यादों को चिरस्थायी और प्रेरणादायी बनाने के लिए रायपुर में जिस भवन में ठहरे थे उसे स्मारक बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमने पुलिस को जन सेवक के रूप में आचरण करते हुए जन विश्वास अर्जित करने का लक्ष्य दिया है। मुझे खुशी है नक्सली मोर्चे से लेकर विभिन्न अपराधों के रोकथाम में सफलता मिली है। आगे भी सुरक्षा विश्वास और विकास की त्रिवेणी पुलिस की कार्य प्रणाली का मुख्य अंग रहेगी। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं नई पीढ़ी को जागरूक और सशक्त बनाने के संबंध में 3 नई घोषणाएं करता हूं। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान किया गया था कि बच्चों को यथासंभव उनकी मातृभाषा में पढ़ाई जाए। विडम्बना है राज्य में अभी तक इस दिशा में ठोस पहल नहीं की गई है। आगामी शिक्षा सत्र से प्रदेश की प्राथमिक शालाओं में स्थानीय बोली भाषाओं छत्तीसगढ़ी गोणी हल्बी भतरी सरगुजिया कोरिया पंडो कुड़ू कमार कुमारी आदि में पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। सभी स्कूली बच्चों को संविधान के प्रावधानों से परिचित कराने के लिए प्रार्थना के समय संविधान की उद्देशिका का वाचन उस पर चर्चा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों की जीनी पर परिचर्चा जैसे आयोजन किए जाएंगे। मैं आज सबसे अपील करता हूं कि हमारे पुरखों के बलिदान और योगदान का सम्मान करने की प्रतिज्ञा लें। हमारे देश की स्वतंत्रता और संविधान से ही हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। छत्तीसगढ़ संविधान की भावनाओं के अनुरूप देश को प्रगति के शिखर पर पहुंचाने में अहम योगदान देगा। इसके लिए हम सब पूरी लगन मेहनत और समर्पण से अपनी भूमिका निभाएंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा आकाश की अनंत ऊंचाइयों में शांति के दूत श्वेत कबूतर और हर्ष सूचक गुब्बारों का प्रक्षालन किया जाएगा। शांति के दूत श्वेत कबूतरों का प्रक्षालन। लोग शांति के दूत चले हो प्रसन्न अभिभूत चले, क्यों बैर क्यों किस लिए गिले, आज मिलो तुम सभी गले, खुद जियो औरों को जीने दो, भुला दो सब शिकवे गिले, मिट जाए कल की सघन निशा, जब आंख खुले तब दिन निकले, जब आंख खुले तब दिन निकले। इस विशेष अवसर पर 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी जनमानस से निवेदन है, भारत माता की जय के नारे लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रेम, प्रेम, साथ।
परेड कमांडर और मुख्य अतिथि महोदय से परेड